फाइनली काफ़ी टाइम बाद मैंने यूट्यूब पर वापस कम बैक किया है और साथ में कुछ ऐसे गेम्स लाए हूँ जो तुम्हें काफ़ी हाई ग्राफिक्स ऑफर करते हैं, वो भी लो रिक्वायरमेंट्स पर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम में से काफी लोगों को स्टेल्थ गेम खेलना पसंद होगा एंड ये सेम गेम भी तुम्हें स्टेल्थ गेम प्ले ऊपर करता है, वो भी कॉम्बैट टाइप मैकेनिक के साथ, मतलब कि स्टेल्थ प्लस कॉम्बैट। और अगर तुमने देखा होगा कि जो भी काफी सक्सेसफुल गेम है उनमें तुम्हें साउंड ट्रैक भी काफी तगड़ा मिलता है एंड ये सेम गेम भी तुम्हें स्टेल्थ कॉम्बैट इन सब के अलावा एक काफी सही साउंड ट्रैक भी ऑफर करता है जो कि तुम्हारे गेमिंग एक्सपीरियंस काफी हद तक इम्प्रूव कर देगा। और गेम में तुम्हारा एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए साउंड ट्रैक के साथ काफी ज्वालामुखी टाइप ग्राफिक्स भी मिलती है जो कि तुम्हें देखने से पता चल रहा होगा एंड इस गेम की रिक्वायरमेंट्स भी काफी है जो कि तुम्हारा पीसी आराम से रन कर लेगा। आई होप कि तुम्हें पता होगा कि एक गेम के अंदर वेल ऑप्टिमाइज कंट्रोल्स होने कितने जरूरी होते हैं और इस गेम में तुम्हें वेल ऑप्टिमाइज ही कंट्रोल्स मिलेंगे। अब एक मेन बात जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई कि गेम के अंदर तुम्हें स्टोरी भी मिलती है जिसको तुम्हें फॉलो करना होता है एंड एक गेम की स्टोरी भी सेम मूवी की स्टोरी की तरह होती है जिसमें काफी सारे इमोशन होते हैं एंड तुम अपना फेवरेट स्टोरी गेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब ये वाला गेम एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसमें तुम्हें हर जगह वॉयलेंस देखने को मिलेगा और इस गेम का नाम है पेन किलर हेल एंड डैमनेशन। अब किसी के नाम में ही पेन किलर हो तो हम उसे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस गेम की तरह इसमें भी तुम्हें काफी सही साउंड ट्रैक देखने को मिलता है लेकिन अगर डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पर इसमें तुम्हें एक हैवी टाइप साउंड ट्रैक देखने को मिलेगा जो कि गेम प्ले पर काफी सूट करता है एंड तुम अब तक समझ गए होंगे कि गेम किस टाइप का है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव टाइप गेम प्ले है एंड इसलिए इस चीज को और बेहतर बनाने के लिए जो गेम में गन्स की डिजाइन है उन्होंने गेम को काफी इनहेंस करा है। और आज के टाइम पे काफी लोगों को गेम के अंदर स्टोरी चाहिए होती है एंड ये गेम भी तुम्हें स्टोरी ऑफर करता है लेकिन स्टोरी के अलावा भी गेम में काफी नोटिस करने वाली चीजें हैं जैसे कि गेम के एनिमीज, मतलब ये गेम इस टाइप में बना है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद तुम्हें गेम में काफी डिफिकल्ट बॉस लेवल मिलेगी। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे एंड अगर तुम्हें कुछ और इस टाइप के गेम्स के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो तुम्हारा ये गेम भी प्रीवियस गेम की तरह एक FPS गेम है एंड प्लीज कोई ये मत सोचना किसी ने तो सारे FPS गेम ही बता दिए क्योंकि अभी आने वाले दो गेम काफी डिफरेंट है। बाकी इस गेम का नाम है क्राइसिस, आई होप तुम्हें इसके बारे में पहले से पता हो क्योंकि ये गेम तुम्हें बढ़िया ग्राफिक्स के अलावा काफी से डिटेलिंग्स भी ऑफर करता है जो कि तुम्हें गेम को प्ले करते वक्त पता चल ही जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहूंगा कि गेम में तुम्हें काफी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स मिलेंगी और उन सभी लेवल्स को क्लियर करने के लिए तुम्हें किसी भी टाइप की बाउंडेशन नहीं होगी, मतलब कि तुम इसे एक ओपन वर्ल्ड गेम भी कह सकते हो। और अगर तुम्हारे पास ओपन वर्ल्ड लेवल होती है मतलब कि तुम उन्हें अपने हिसाब से कैसे भी क्लियर कर सकते हो। आई मीन एक लेवल को क्लियर करने के लिए काफी अलग अलग तरीके हो सकते हैं एंड इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये गेम तुम्हें टैक्टिकल स्टाइल टाइप गेम प्ले ऑफर करता है, मतलब भी तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाकर गेम को प्ले कर सकते हो एंड इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। अभी जो मैं तुम्हें गेम बताने वाला हूँ वो एक फुटबॉल गेम है, जैसे कि तुम्हें गेम प्ले से पता चल गया ही होगा एंड इस गेम का नाम है फीफा 14 और ये गेम तुम्हें काफी तरह के मोड्स एंड ऑप्शंस ऑफर करता है। और सबसे बड़ी बात जो कि इसका काफी बड़ा प्लस पॉइंट है वो है कि ये गेम तुम्हें काफी रियलिज्म गेम प्ले ऑफर करता है एंड इसी की वजह से तुम इस गेम को काफी इंजॉय कर पाओगे। और इन सभी चीजों के अलावा गेम में तुम्हें काफी स्मूथ एनिमेशन मिलेंगी जिनकी वजह से गेम में तुम्हें गोल्स और स्लो मोशन फुटेज देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब मेन बात आती है कि गेम का AI कैसा है, ऑप्टिमाइज है भी या फिर नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स गेम में AI का काफी बड़ा रोल होता है। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि इसका AI वेल ऑप्टिमाइज है, तुम्हें इस सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड एक और पॉइंट कि जो गेम के फिजिक्स मैकेनिक्स है वो भी वेल डायरेक्टेड है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड अगर तुम एक फुटबॉल प्लेयर हो या फिर तुम्हें फुटबॉल देखना पसंद है तो तुम्हें इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर तुम्हें कुछ और ऐसे फुटबॉल गेम्स पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके सो गाइस आवर लास्ट गेम इज ऑपरेशन फ्लैशपॉइंट रेड रिवर जो कि एक सोल्जर सिमुलेशन गेम है एंड तुम में से काफी लोगों को सोल्जर टाइप गेम पसंद होंगे इसीलिए गेम इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। बाकी ये तो तुम्हें भी पता होगा कि एक गेम में तुम्हें काफी वॉयलेंस देखने को मिलेगा, आई होप तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जिन भी लोगों को थोड़ा इंटेंस टाइप गेम खेलना पसंद है तो समझो उन्हें एक बेहतरीन गेम मिल चुका है क्योंकि इस गेम को प्ले करने के लिए तुम्हारे पास इंटेंस शूटिंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि तुम गेम में सर्वाइव कर सको। और सबसे खास बात कि ये गेम तुम्हें मल्टीप्लेयर मोड भी ऑफर करता है, मतलब कि तुम इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। और अगर तुम्हें शूटिंग गेम खेलना पसंद है तो मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पर ऑलरेडी बनाई है जहां पर मैंने तुम्हें कुछ ऐसे 5 शूटिंग गेम बताए हैं जिनको तुम अपने लो NPC पर आराम से प्ले कर सकते हो और उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें टैक्टिकल टाइप गेम खेलना पसंद है तो इस गेम को चेकआउट करना मत भूलना। और अगर तुम्हें इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।